हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी 31 डेज की वेट लूज जर्नी। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने 31 डेज चैलेंज ही क्यों रखा, मंथ मतलब 2 मंथ 3 मंथ का क्यों नहीं रखा। तो एक्चुअली ये जो वेट लूज जर्नी है मेरी, वो एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट ही समझ लीजिए आप, क्योंकि आप लोगों की तरह सब लोग जैसे वेट लूज़ करना चाहते हैं, वैसे मुझे भी अपना वेट लूज़ करना था मेरी डिलीवरी के बाद में। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं अपना वेट लूज़ कैसे करूँ, क्या ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में वेट लूज़ किया जा सकता है, या मेरी जो सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी तो सी सेक्शन के कितने टाइम बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मेरे दिमाग में थे। मैंने बहुत कुछ सर्च किया, गूगल सर्च किया और यूट्यूब पे सर्च किया, बट मुझे कहीं पर भी कोई सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं मिला। इसलिए मैंने इसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और अपने पर ही ये एक्सपेरिमेंट किया, और सक्सेसफुली ये एक्सपेरिमेंट रहा। और जब मैंने अपना चैलेंज एक्सेप्ट किया था तब मेरा वेट था 63.1 था, और अभी मेरा वेट जो है 9.2 है। ऑलमोस्ट मैंने 3.8 केजी रिड्यूस किया है इस 31 डेज के अंदर, तो बहुत सक्सेसफुल रहा है और इसका मेरे बेबी पर भी कोई इफेक्ट नहीं रहा है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो के अंदर कि मैंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को कैसे सक्सेसफुल रखा या क्या क्या चीज़ें फॉलो करी, क्योंकि मैं रेगुलरली जब अपनी एक्सरसाइज की वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट कर रही थी तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप कहाँ से एक्सरसाइज देख रहे हो, आप कोई ऐप फॉलो कर रहे हो क्या, या आप कैसे हेल्दी डाइट ले रहे हो, आपका डाइट चार्ट प्लान वॉट एवर, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मैंने उनको सिंपली आंसर दिया कि मैं अपना वीडियो जो है 31 डेज बाद आप लोगों के लिए अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फाइनली मैं अपना ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो डिटेल में जाने से पहले मैं अपनी पूरी स्टोरी आपको बता देती हूँ कि मैंने कितना वेट अपनी प्रेगनेंसी में गेन किया था, कैसे मेरा सिजेरियन हुआ, वो सब मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर मैंने ये चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया ये भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ पहले। तो मैंने जब अब बेबी कंसीव किया, यानी जब मैं प्रेग्नेंट हुई, तो मेरा वेट था 59 kg और मेरे फुल टाइम में मेरा वेट था 73 kg। तो इतना वेट मैंने गेन किया था, और जब मेरा बेबी डिलीवर हो गया था तो मुझे मेरा वेट जो था वो 68 kg था, मतलब मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी तो 68 kg था। लेकिन अपनी डिलीवरी के 18 डेज बाद मेरा फिर से री ऑपरेशन हुआ, वो इसलिए क्योंकि मेरे स्टिचेस में पानी भर गया था, तो इस वजह से मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ। और उस ऑपरेशन के बाद मैं थोड़ी डिप्रेस भी हो गई थी, मतलब मेंटली मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता था, फिजिकली मुझे ऐसा लगता था कि मैं पहले जैसी फिट नहीं रह पाऊंगी, शायद मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी, क्योंकि मैंने अपनी सी सेक्शन डिलीवरी एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। मैं ये सोच रही थी कि यार मैं तो बहुत फिट हूँ, या बहुत अच्छे से मैंने इतना वर्कआउट किया है अपनी डिलीवरी के टाइम भी, तो मैं जो है आसानी से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन वहाँ जाने के बाद आप लोगों के साथ क्या होता है, आप कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसा ही मेरे साथ भी कुछ हुआ था, मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हो गई और उसके बाद में 18 डेज बाद मेरा फिर से ऑपरेशन हुआ था, और उस ऑपरेशन ने मतलब मेरा माइंड बहुत डिप्रेस कर दिया था। लेकिन फिर से मैंने अपने आप को ये सोचा था कि जैसे जैसे मेरे स्टिचेस ठीक होंगे मैं अपना मोटापा नहीं बढ़ने दूंगी। तो सेकेंड ऑपरेशन जब मेरा हुआ तो मेरा वेट 64 kg था, लेकिन बहुत वीकनेस की वजह से मेरा वेट जो है 61 kg पर मैं चली गई थी, ऑलमोस्ट बहुत पतली हो गई थी और बिल्कुल एनर्जी भी मुझ में नहीं रही थी। लेकिन जैसे मैंने फिर से फूड वगैरह खाना स्टार्ट किया तो मेरा फिर से वेट गेन होना स्टार्ट हो गया था। मोस्ट ऑफ जो वुमेन्स होती हैं उनका वेट जो है डिलीवरी के बाद इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे राजस्थान में क्या है ना कि घी के लड्डू बहुत खिलाए जाते हैं। तो सेम केस मेरे साथ भी था, जैसे कि सबकी मम्मी और मदर इन लॉज बोलती है कि हाँ लड्डू खाओ, ये खाओ। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं इतने लड्डू नहीं खाऊंगी, ऑलमोस्ट 2 मंथ के जो लड्डू होते हैं मैं नहीं खाऊंगी। मेरे दिमाग में ये था कि जो फॉरेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी तो अपनी इम्यूनिटी पावर को बचाते हैं, ऐसा सब कुछ मेरे दिमाग में था। तो मैंने सिंपली अपने घर पे बोल दिया था कि मैं 30 दिन के ही लड्डू खाऊंगी, और मैंने उतने ही बनाए थे। बहुत मतलब मेरी सास ने और मेरी मम्मी ने बहुत जिद करी, लेकिन मैंने उनको यही बोल दिया था, मैं इसकी जगह अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए या अपनी फिर से अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए मैं बहुत कुछ खा सकती हूँ, लेकिन मैं ये घी वी के लड्डू ज़्यादा नहीं खाऊंगी। तो मैंने सच में 30 दिन के लड्डू ही खाए थे, उससे ज़्यादा नहीं खाए थे।
तो जब मैंने लड्डू खाए तब मेरा वेट इतना इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब मैं और अच्छा अच्छा फूड खाने लगी तो मेरा वेट मतलब बहुत जल्दी से एक वीक के अंदर 1.5 केजी ऐसे इंक्रीज होने लग गया था। लास्ट वेट मेरा बिना खाने के पर जो वेट था मेरा वो 63.1 था, और खाना खाने के बाद 64, कभी 64.5 ऐसा ऐसा चला जाता था। तो मतलब जब मेरा अचानक से ऐसे वेट गेन होने लगा तो मुझे टेंशन सी हो गई कि एक तो सीजरन डिलीवरी है, ऊपर से अगर ऐसे वेट गेन होता रहा तो मैं पहले वाली अपने आप को नहीं देख सकती। तो मैंने मतलब 24th of April मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किया और अपने आप से ही 31 डेज़ का एक चैलेंज ले लिया। तो उस चैलेंज में और ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ये था कि मुझे रेगुलर एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को फिट रखना है और एक हेल्दी डाइट के साथ में रखना है। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होते हैं कि जब वो लोग एक्सरसाइज करेंगे या हेल्दी डाइट लेंगे तो उनकी मतलब डाइटिंग करेंगे तो उनकी जो हेल्थ है वो डाउन हो जाएगी या उनकी बेबी की हेल्थ डाउन हो जाएगी। तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी फाइंड आउट करना था, इसलिए मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मेरा ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, मेरे बेबी की हेल्थ को भी कोई इफेक्ट नहीं करा है। तो मैंने इस 31 डेज़ के अंदर जो मेन चीज़ पर फोकस किया वो शुगर और ऑयल पर फोकस किया। मैंने आप ये मान लो कि 1 लीटर ऑयल को मैंने 1 मंथ और 5 डेज चलाया है, मतलब मैंने इतना अच्छे से अपने आप के फूड में चेंजेस किया है। मतलब 1 टीस्पून जो होता है ना मैंने उसमें सब्जियां बनाना स्टार्ट कर दिया और शुगर बिल्कुल बंद। मैंने दूध सुबह शाम में पीती थी और वो भी अमूल का। आप सोच रहे हो कि मैंने विदाउट फैट वाला दूध पिया या गाय का दूध पिया, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने अमूल का दूध पिया और उसमें भी कोई शुगर यूज़ नहीं करी, इवन गुड़ तक मैंने यूज़ नहीं किया है मिल्क के अंदर। और टी मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, मुझे शाम की चाय अदरक वाली बहुत पसंद है लेकिन मैंने छोड़ दी थी। और लास्ट के 5 डेज़ में ज़रूर यहाँ पे बारिश बहुत होती है तो मैंने अदरक वाली चाय पी है। तो आप पी सकते हो लेकिन थोड़ा गुड़ के साथ में। तो मैंने ऑयल और शुगर पर फोकस किया। और जहाँ वेट लूज की बात है तो मैं आपको बता दूँ कि आपकी 70-75% आपकी डाइट होती है और 25-30% आपका वर्कआउट होता है। तो मैंने इस 31 डेज में सिर्फ और सिर्फ 20-25 मिनट्स ही मैंने वर्कआउट किया है, इससे ज़्यादा मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया है। और जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था तो मैं आपको बता दूँ कि मैं मुझे थ्री अपनी डिलीवरी के 3 मंथ कंप्लीट होने के 1 वीक पहले ही मैंने वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था, बट वो रेगुलर नहीं था, उसमें मेरा कोई चैलेंज नहीं था। जब 24th of April को मैंने अपना चैलेंज लिया तब मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया और 20-25 मिनट एक्सरसाइज करी। मेन फोकस मेरा अपनी डाइट पर रखा। डाइट मीन्स मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि मतलब मैंने मतलब जंक फूड खाना छोड़ दिया था, वो तो मैं पहले भी नहीं खाती थी इतना, लेकिन मैंने ऑयल और शुगर पर मोस्ट ज़्यादा फोकस किया। मैंने कार्ब्स कम किए, फाइबर और प्रोटीन पर भी ज़्यादा फोकस किया और ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाई जो मेरे लिए और अपने बेबी के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप लोगों को ये जानना है कि मैंने इस 31 डेज में क्या क्या डाइट चार्ट फॉलो किया, तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा विथ डाइट चार्ट आपके साथ में शेयर करूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अपना एक्सरसाइज का भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने इन चीज़ों पर फोकस किया, ट्रस्ट मी गाइस बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे अपने स्टिचेस पे मतलब कोई इफेक्ट पड़ रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने अपने 3.5 मंथ में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी 2 ऑपरेशन होने के बाद भी, तो आप लोग भी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए फिर अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, क्योंकि सबकी बॉडी का हीलिंग पावर जो होता है वो अलग होता है। मे भी हो सकता है मेरा जल्दी हील हो गया, मे भी हो सकता है आपका लेट हील हो, तो मेरे देखने के साथ में आपको एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करनी है। जब आपको फील हो कि आप बेटर फील करें तभी आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ पर एक टिप दे सकती हूँ कि अगर आपको एक्सरसाइज स्टार्ट ही करनी है तो आप ऐसी एक्सरसाइज से स्टार्ट करिए जहाँ पे आपको स्टिचेस पे बिल्कुल भी जोर ना लगे। बहुत हल्के से एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट डे 5 मिनट की, सेकेंड डे 10 मिनट्स की, और आप अपनी वॉक से भी अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में ऐसा ही करना है। मैंने जब चैलेंज नहीं लिया था तब मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही किया था, ऑलमोस्ट 2.5 वीक मैंने ऐसे ही किया था। और जब मैंने चैलेंज लिया तो मैंने 20 मिनट फिर 25 मिनट ऐसे अपनी एक्सरसाइज करी, लेकिन मैंने उसमें एब्स की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करी थी, सिर्फ अपनी थाई की एक्सरसाइज, अपनी आर्म्स की एक्सरसाइज और अपनी फेस की एक्सरसाइज मैं करती थी। ये एक्सरसाइज मैंने रेगुलर रखी।
तो फाइनली मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इस 31 डेज में मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, सीजरियन के 4 to 6 months बाद आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपना वेट लूज कर सकते हैं। अगर आप अपने आप में बिलीव रखते हो कि आई कैन डू एनीथिंग, तो आप डेफिनेटली सब कुछ कर सकते हैं। वेट लूज करना प्रेगनेंसी के बाद में कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है। तो मैंने अपने दिमाग में ये बात सेट कर ली थी कि चाहे सी सेक्शन डिलीवरी हुई, लेकिन मुझे उस कैटेगरी में नहीं आना है कि नॉर्मल डिलीवरी के तो जो बॉडी शेप होता है वो फिर से आ जाता है, लेकिन सी सेक्शन वाले अपने आप को फिट नहीं कर सकते। मुझे उस कैटेगरी में कभी नहीं आना था, इसलिए मैंने अपने दिमाग में ये सेट कर रखा था कि मुझे फिर से अपने आप को फिट रखना है और उसी शेप में आना है जैसे कि मैं पहले थी। तो ये सब कुछ मेरे दिमाग में था, इसलिए मैं शायद फिर से पहले वाली बॉडी शेप में आ गई हूँ। तो आप लोग भी कम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आप लोगों को मेरा डाइट प्लान जानना है, मैंने कोई इतना हाई लेवल का या बहुत अच्छा वाला डाइट चार्ट फॉलो नहीं किया। मैंने नॉर्मल जो बेसिक अपने घर में सब कुछ अवेलेबल होता है या नॉर्मल जो हर कोई लड़की हर कोई वुमेन फॉलो कर सकती, मैंने वो सब कुछ फॉलो किया और उसी के साथ में ही अपने वेट को लूज़ किया है। और बस एक चीज़ ये है कि मैंने अपनी रेगुलर एक्सरसाइज रखी। इस 31 डेज में मैंने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा कि अपनी एक्सरसाइज को मिस किया। ये मेरे में अपने में सबसे बड़ी बात थी। इसके पीछे शायद ये रीज़न हो सकता है कि जब आप दिमाग में सोच लेते हो ना कि मुझे करना है और 31 डेज के अंदर मुझे वेट लूज करके ही रखना है, क्योंकि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, तो शायद इस वजह से मैं कर पाई। बाकी लेजीनेस तो सब में थोड़ी बहुत होती है, तो सब लेजी बन जाते हैं, लेकिन मैंने अपने दिमाग में ऐसा सेट किया ना, तो मैं बिल्कुल भी लेजी नहीं बनी। और जब मेरा वेट रिड्यूस किया और आज फाइनली मैंने ये अपने वेइंग मशीन पर अपना वेट देखा, तो देखकर बहुत खुशी हुई। मैं हर वीक हर 4 दिन या हर 5 दिन में अपना वेट देखती हूँ, बट फाइनली ये डे खत्म होने के बाद जब अपना वेट देखा तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। आई होप आप लोग भी ऐसा कुछ करोगे और आप लोगों को भी खुशी होगी। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताना, आपका ये कमेंट मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। और बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए डाइट चार्ट प्लान का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसके नेक्स्ट एक्सरसाइज का। और भी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस लिंक। थैंक यू गाइस, बाय बाय।